तो यार अगर आप ऋषि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जाके उसको फटाफट से फिल कर दो, आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट इनके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो आज हम आए हैं ऋषि यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करने, जो कि स्थित है सोनीपत हरियाणा के अंदर, और इस यूनिवर्सिटी का मिशन ही है एजुकेशन फॉर इम्पैक्ट। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है अपने सभी कोर्सेज पर सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इंटरेक्ट करने वाले हैं अंजू मैम के साथ, जो कि हैं डायरेक्टर इन एडमिशन एंड मार्केटिंग। तो चलिए चलते हैं। हेलो मैम, हाय, कैसे हैं आप? वेरी वेल एंड वेलकम टू ऋषिवुड। थैंक यू वेरी मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग अबाउट द ऋषिवुड यूनिवर्सिटी, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज योर फ्यूचर एम। ओके, तो ऋषिवुड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम लोगों ने शुरू किया था 2020 में, एंड एज अ कल्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ आवर थॉट्स दैट स्टार्टेड इन 2014। तो 2014 में जो हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया था, विजन इंडिया फाउंडेशन। और अगर आप फाउंडर्स को भी देखेंगे, दे आर वेरी पैशनेट पीपल। साहिल हैं, साहिल इज एन IIT दिल्ली अलमनस। तो उन्होंने सोचा कि रादर देन हर किसी IIT की तरह एक रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब, एक रेगुलर ये चीज़ करके, जहाँ पे हमें पता नहीं है कि उसका एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, लेट मी फोकस ऑन एजुकेशन एंड गवर्नेंस। सिमिलरली वाइस चांसलर हैं, शोभित सर हैं, उन्होंने काफ़ी ही इज़ एन IIT बॉम्बे अलमनस, ISB हैदराबाद से पढ़ चुके हैं। अमेजोन में उन्होंने तब काम किया जब अमेजोन सिर्फ एक छोटा सा ई कॉमर्स कंपनी था, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मैनेजमेंट के साथ काम करके अमेजोन को वो एक टेक जायंट की तरह बनाए हैं। लेकिन उतना कम्फर्टेबल लाइफ, उतने सारी ईसॉप शेयर सब छोड़ के ही डिसाइडेड दैट लेट मी कम बैक टू माई कंट्री, ट्राई एंड सी इफ आई कैन गेट माई यूथ कनेक्टेड टू द पब्लिक domain as such. Right. 40 degree already plus video shoot तो वैसे iPhone हिट हो जाता है। तो भैया अब हम खड़े हैं इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर, जहाँ से ए बी और सी ब्लॉक की जो है शुरुआत होती है। और सबसे पहले अपन लोग चलने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, क्योंकि वहीं से अगर आपको एडमिशन लेना है तो सारी चीज़ें होने वाली हैं, मींस काउंसलिंग वगैरह, कोई कंप्लेंट, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस, जो भी होना है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से होना है। तो फटाफट चलते हैं और आपको दिखाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। पर उससे पहले जो है मेरी और अंजू मैम की काफ़ी सारी लंबी बातचीत हुई थी, जो सुना के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो फटाफट से आपको टूर करा देते हैं अब एडमिशन ब्लॉक का। इंडिया, सो लॉट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, प्रोडक्ट कंपनीज, बट एट द सेम टाइम जिनका कल्चर इज वेरी एंटरप्रेन्योरियल एज वेल, सो दैट्स द गो टू स्पेस फॉर अस। सो मैंने यहाँ पे अभी AB रूम भी देखा था, तो क्या हम वो विजिट कर सकते हैं? वी कैन विजिट द AB रूम, दैट्स अ स्वीट स्मॉल पॉकेट where we do get students in. Right. This is the audio visual room, the AV room AV particularly. Room. We can have a seat somewhere. Please. On student chairs. कभी कभार तो हमें लगता है कि हम भी student हैं. Right. AV actually we built in because काफ़ी सारे guest lectures होते हैं, and it's not necessary that we need a lot of we don't need 500,000 students there, right? So for smaller guest lectures or in case अगर आपको कुछ shoots करने हैं, you need a more soundproof sort of space as well, so we created facilities like the AV as well. तो यार अभी मैं बैठा हूँ academic block A के बाहर, मीन्स जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इसी ब्लॉक के अंदर होती हैं। और आज हम बात करेंगे सभी कोर्सेज के डीन के साथ, इंटरेक्ट करेंगे और जानेंगे ऐसा क्या अलग वो कर रहे हैं अदर यूनिवर्सिटी से जिसकी वजह से आपको यहाँ आना चाहिए। साथ में कुछ बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे ताकि ग्राउंड रियलिटी पता चले। तो चलो चलते हैं। तो यार आ जाओ, ये है रिसेप्शन एरिया ए ब्लॉक का, और यहाँ पे जो है इधर चांसलर, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर सभी के ऑफिसेज हैं। और इसके ऊपर वाली फ्लोर्स पे जो है अलग अलग स्कूल्स की क्लासेस लगती हैं, प्लस उनके जो डीन्स हैं, हेड्स हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं। तो चलो अभी हम चल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल के डीन से मिलने, एंड उनके साथ एक थोड़ा सा चिटचैट रहेगा, फिर बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे अगर बच्चे हमको अभी मिल जाते हैं, क्योंकि मैं क्लासेस के टाइम पर आया हूँ। चलो चलते हैं।
तो यार चलो अभी अपन लोग चल रहे हैं बोर्ड रूम को विजिट करने, जहाँ पे जो भी डीन्स वगैरह या फिर जो भी फैकल्टीज वगैरह की मीटिंग्स होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे सामने LED वगैरह भी लग रही है, अगर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह शो करनी है किसी को भी, तो इस पूरे रूम के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, तो उसके लिए बोर्ड रूम रहता है। और पीछे आप मेरे फ्लैग्स देख सकते हो इंडिया का और इश्यूड यूनिवर्सिटी का, एंड काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो चलो चलते हैं अब ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल को विजिट करने। तो यार अभी मैं आ गया हूँ एकेडमिक ब्लॉक के अंदर, और अभी हम खड़े हैं कीर्ति दत्ता मैम के केविन के बाहर, एंड शी इज़ द डीन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च स्कूल। तो आओ उनके साथ बैठते हैं, थोड़ी सी चिट चैट करते हैं, जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ देयर फ्यूचर विजन। तो चलो चलते हैं। So hello ma'am. Hello. How are you? I'm good Priyam, how are you doing? I'm great ma'am. Wonderful to have you. Thank you ma'am. Please. Thank you very much ma'am first of all for your time. Yes. And we have a brief discussion with Anju ma'am. Mm-hmm. And I want to know about what is the future and what is the aim of Rishud University in the School of Entrepreneurship, ma'am. Okay, that's a wonderful question Priyam, thank you so much. The School of Entrepreneurship is not only about entrepreneurship, but it is about creating that entrepreneurial spark in the students, so that when they step out in the VUCA world, wherever they want to work in an organization or elsewhere, they are able to capture the opportunities. Right. So we are trying to, you know, inculcate that, you know, the spirit of entrepreneurship and an entrepreneurial mindset in the students here. When they step out, we want them to impact all the stakeholders, the places where they are working in, you know, the society at large. So that is the second aim that we have at the school. Okay. So अभी कौन कौन से courses जो है वो Rishikesh University provide कर रहा है? So हम लोग अभी जो School of Entrepreneurship provide कर रहे हैं, हम कर रहे हैं BBA, BCom, MBA और PhD भी है हमारे पास. You know what we are envisioning कि जब हम graduates को बाहर भेजेंगे तो ये होगा. Great. तो India का development is what we are looking at कि हम वो impact कैसे create करें. That's great ma'am. काफी सारी चीजें मेरे को यहाँ के नई भी पता चल रही हैं, जैसे जैसे मैं universities visit कर रहा हूँ पता चला है कितनी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज, इवन जो नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं वो एक डिफरेंट विजन, एक नई अप्रोचेस के साथ आ रहे हैं, जो कि शायद पुरानी यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं, जो कि काफी टाइम से लीड कर रही हैं। आई थिंक देयर इज अ बिग स्कोप इन फ्यूचर। तो हम क्या यहाँ पे थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं अगर यहाँ पे? एकदम एकदम आइए, आपको मैं दिखाती हूँ, हम लोग जो है क्लासरूम्स दिखाती हूँ, हमारा इंडस्ट्री एकेडमिया का कोलैबोरेशन है बॉश के साथ, मैं आपको दिखाती हूँ, और इंक्यूबेशन सेंटर है, ये हमारा इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन है बॉश के साथ, सो दे हैव टाइड अप। तो इसके अंदर हम लोग ना स्किलिंग वगैरह भी करते हैं और लोगों की, सो दिस इज द बॉश एरिया। आई मैं आपको लेक्चर थिएटर भी दिखाती हूँ। सो जनरली हमारे सब क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे आजकल चैट GPT और ये सब आ रहा है, तो हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं कि आप करिए इसको चैट GPT पे करके लाइए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स टू डू इट ऑन चैट GPT, बिकॉज उनको यूज़ करना आना चाहिए ना, वो क्या लिख रहे हैं उसमें, क्या कमांड्स दे रहे हैं, क्योंकि आज आप देखिए ना कंपनीज बोल रही हैं कैन यू यूज़ AI है ना चैट, तो हम लोग उनको दे रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इमेज क्रिएटर है, तो अगर जैसे मैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ जाइए एड उस पर क्रिएट करके लेके आइए, दिखाइए क्या, तो कंसेप्ट तो ऑब्वियसली इनका है, लेकिन जहाँ पे उनको वो फिजिकल वो करना चाहिए था वो उनका टाइम बच रहा है, और ये सारे AI टूल्स को, तो हम ये सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह भी बहुत यूज करते हैं। काफी सारे बच्चे सोचे कि चैट GPT रिप्लेस कर देगा उनको, बट ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर योर हेल्प कि जो चीज आप 2 घंटे में करते थे वो अब आप 1 घंटे में कर सकते हो, बट इट विल मेक इट इजी फॉर यू। ये सब नेट वगैरह इंटरनेट है, हम लोग बच्चों को क्लास में भी बोलते हैं ये सर्च करके बताइए, ये बताइए, तो ऑल द फैसिलिटीज आर देयर। तो उसके अंदर हमने क्या किया हुआ, ये ऐसे कंसेप्ट किया हुआ है
कि अगर वो आए सपोज और उनका जो भी जैसे एरिया है, जैसे कोई FMCG से आ गया और मुझे कुछ अपना, कल को हमने जैसे ई उसमें वेंचर में हमने सारे स्टूडेंट्स को क्या किया, सोप मेकिंग सिखाया. तो जब सोप मेकिंग सिखाया तो उसमें उनका वो एग्ज़ाम नहीं हुआ, उन्होंने वो उसमें क्या सीखा, उसको कैसे बनाना, कैसे पिच करना, तो पैनल बैठा, अब उसमें वो कैसे उसको पिच कर सकते हैं, तो वो इंडस्ट्री वाले से फर्दर वो रिकमेंडेशंस ले सकते हैं. तो ऐसे हम लोग ना बहुत सारे इंडस्ट्री वालों को, बच्चों का जिस जिसमें इंटरेस्ट होता है कि मुझे इसमें जाना है, मुझे ये करना है, तो उनके फील्ड से हम लोग बुलवा के यहाँ पर इंटरेक्ट कराते हैं. तो फिर वो एज अ मेंटोर स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकते हैं हर एरिया. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे चार चार बच्चों का जो है ग्रुप बैठ सकता है और यहाँ पे जो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं. एंड ऐसे फ्री स्पेस में ही जो है बड़े बड़े आइडियाज़ निकले हैं, लाइक फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल. तो चलो अब करते हैं ग्राउंड रियलिटी चेक, जहाँ पे मैम हमारे साथ आई हो नहीं होंगे. एंड मैम, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, कुछ टाइम मेरे को बच्चों के साथ अकेले एकदम, सो दैट वी कैन सी द ग्राउंड रियलिटी एंड बच्चों के साथ जानेंगे कि हाउ दे आर डूइंग इन मैनेजमेंट कोर्सेज एंड ऑल. तो चलो चलो, तो यार हमारा मैम के साथ डिस्कशन हो गया है. अब ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए कुछ बच्चों को ढूंढते हैं यहाँ पे, जो बैठे होंगे, चिल कर रहे होंगे एंड लंच टाइम हो रहा है, तो हो सकता है ना भी मिले. तो चलो आप देखते हैं, बट यहाँ पे मेरे को कुछ बच्चे देख रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप में बैठे हुए हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं. उनसे पूछते हैं उनको ऋषिवुड यूनिवर्सिटी कैसी लगी. हेलो गाइस, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई एम हेयर टू शूट अ ब्लॉग, सो योर नेम, कोर्स एंड ईयर आप सभी के. ओके, सो माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई एम परसुइंग बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एंड आई एम फर्स्ट ईयर, आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर. माई सेल्फ स्नेहा जायसवाल एंड आई एम डूइंग BBA हियर एंड या दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर. हेलो, माई नेम इज़ अनस खान एंड आई एम MBA स्टूडेंट. आई एम परसुइंग माई MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड आई एम ऑल्सो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हियर. हेलो, माई नेम इज़ कोकिला हाडा एंड आई एम परसुइंग BBA इन फर्स्ट ईयर एंड आई एम ऑल्सो हियर इज द हेड ऑफ द थिएटर क्लब. ओके, सो गाइज, हाउ यू कम टू नो अबाउट ऋषिवुड यूनिवर्सिटी? So I would say I got to know about Rishihood University through the marketing team of this university and they came to my hometown, that is Kanpur, and there were many counseling sessions and everything. So I just attended some of them and actually I really like the idea of Rishihood, to be honest. They provide liberal education and many other things. To be honest, this is a new university, it's a startup plan and everything. So of course you'd get good opportunities and you'd get to explore a little too much. And also this focus a little more about cultural values that you might see a less in other universities. So if you're interested in doing tapasya, do come to ISU. Joking. But yeah, great. मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे पता चला था ऋषिवुड के बारे में क्योंकि मैं उस समय 12th के बाद, जैसे बहुत सारे लोग अपने कॉलेज को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सेम ईयर मैं भी बहुत कंफ्यूज थी. तो इसलिए मैं रोज़ कम से कम 30-40 कॉलेजेस में अपना फॉर्म भरती थी. उसमें से मेरे को ऋषिवुड के बारे में पता चला. बेसिकली मुझे यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर बहुत अच्छा है और प्लस ये भी है कि यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस अभी तक मेरे को जैसा लगा है ना, बहुत सही है. एंड व्हाट्स अबाउट यू? सॉरी, आपको कैसे पता चला था? ओके, सो बेसिकली मैं आई वाज वर्किंग विद TCS एंड ऑल, सो आई वाज लुकिंग फॉर द MBA, राइट? सो मैंने बहुत कॉलेज सर्च करे, सो आई फाइंड ऋषिवुड यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग दी, यू नो, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी मेजर्स, डबल मेजर्स, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं करती हैं. इन टर्म्स ऑफ MBA, इंडिया में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज PGDM ऑफर करते हैं, बट दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स MBA एंड दैट टू इन डुअल स्पेशलाइजेशन, सो दैट्स व्हाई ऑप्टेड फॉर द ऋषिवुड यूनिवर्सिटी. सो एज अनुष्का टोल्ड, शी गेट टू नो अबाउट द फ्रॉम द मार्केटिंग टीम. सो सेम एज इट इज़, द मार्केटिंग टीम है यहाँ की काफ़ी अमेजिंग है. दे टोल्ड अबाउट लिबरल एजुकेशन, दैट कॉन्सेप्ट एंड द वन थिंग, मेन थिंग इज आई लाइक दैट, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग माइनर सब्जेक्ट फॉर अस, सो वी कैन, हम और भी सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. वी आर हेयर टू डिफरेंट एक्सप्लोर मोर थिंग्स एंड द मोर अबाउट द कल्चर.
So in this university, I have like adopting the more opportunities, and we can work on that. So this is the like I like that right. thing in the Rishi Hood University. Thank you. Okay. So how you are doing here? कैसी लग रही university? कैसी vibe है यहाँ की? To be honest, like मतलब people are very nice. Like you can connect with people a lot. You can exchange ideas and like you know like. Diversity बहुत है like they have people from Nepal and from like African countries and you'd get to explore a lot over here. So I'm doing pretty much fine and to be honest opportunities का exposure बहुत ज़्यादा अच्छा है because it's a new university and to be honest strength is less right now. So like it would be like you know used as a favorable concept for you like. So just I'd say like I'm doing pretty much fine and I hope for better in future too. तो यार मैं आ गया हूँ अभी स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी के जो डीन हैं मनिका वालिया मैम उनसे चिटचैट करने. आइए जानते हैं ऋषि हुड यूनिवर्सिटी ऐसा क्या कर रहा है स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी में, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं और क्यों आपको ऋषि हुड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए. तो चलो आओ चलते हैं कुछ हिडन राज जानने. हेलो मैम. हेलो आइए. First of all, thank you, ma'am, for your time. Pleasure. And ma'am, first of all, I want to know something about you. So, I am the founding dean for School of Creativity, and when I started this school, almost like 4 years, when we thought of having a School of Creativity, the idea was, you know, because the vast experience I had in the field of design and higher education, especially for design. We wanted to fill in the gaps which are existing, you know. Right. So that's how the School of Creativity was okay. thought of. So, what courses Rishi Hood University offering in School of Creativity? So, as the name says, you know, the creativity is not only about design; it's creativity. Now, creativity could be visual arts, could be through these are the expressions, could be through kinesthetic arts, could be through design, right? So, how do we route or weave a fine thread across all the expressions of creativity is, you know, what we are trying to do here. But if I categorize visual arts, design, and performing arts. Okay, great. Our students working towards and ready towards, you know, the future needs and the industry. Right. Ma'am, now can we have a small tour of the School of Creativity? Sure, pleasure, please. Thank you, ma'am. And where we are. So this is a resource center basically. Resource center is how the students are working onto the research projects, how they are absorbing with the community, right? And how, you know, their design intervention puts into the broader approach of relevance. So students work here, they put up their projects, how design and the creativity has intervened into the regular craftsmanships. So that's how we are developing. So these all things are made by students. These are the research projects, you know, which our students have done. Let's go to another block. So for us, this is the communication design studio. Communication design is again, you know, designed as per the graphics, their digital part, and even the interaction design, right. where they are talking about the color psychology, color theory. Electives are like packaging, isolation. So, few works of our students. Okay, great. So means students are doing a great work here. Yes. So that's how creativity works, you know, you have to let the students be. And the only reason we made it into the residential school was that the space for the studios should be open all throughout. Interior architecture, we have an undergrad program which we call it as interior architecture, where students work on the various spaces and from doing the essential technical stuff to, you know, even understanding what the material would be, how the construction techniques would be, how you will be getting into all the services, the digital part, the soft part. You know. Right. The students are already doing something here. Students are already Let's doing ask it. Something from them. Actually, I'm shooting a video here for the School of Creativity. So what are you doing here? Now I'm looking at the program.
बाकी सारे टॉयलेट्स की फिक्सिंग होती है वो सब एक जगह पे होनी चाहिए ताकि बाद में उसे सर्विसेज देने में या फिर पाइप्स वगैरह देने में यू आर डूइंग आर्किटेक्चर प्लानिंग ग्रेट एंड या एंड देन गो टू द इंटीरियर फर्स्ट इज द प्लानिंग एंड देन द अदर थिंग एंड हियर आर आल्सो सम गर्ल्स हेलो माय नेम इज खुशी एंड आई एम हिज क्लासमेट एंड वी आर वर्किंग ऑन द सेम प्लान but we have been given a brief that so like to a couple so I'm so Rishud, your university is focusing on practical approach right yes okay that's great let's go ma'am तो यार अभी अपन लोग हैं स्कूल ऑफ हेल्थ केयर में और यहाँ पे ढूंढ दे किसी स्टूडेंट्स को क्योंकि फैकल्टीज तो चले गए भैया अपने काम से तो हमको किसी स्टूडेंट की हेल्प नहीं पड़ी और एक जो जेन्युइन रिव्यू है ना वो एक स्टूडेंट से ही मिल सकता है तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आई थिंक कुछ कर रहे हैं तो उनसे पूछ लेते हैं हेलो एक्सक्यूज मी हाय प्रियम दिस साइड फ्रॉम प्रियम के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल सो कैन आई नो अबाउट यू सो हाय माय नेम इज अनन्या एंड या आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हेल्थ केयर Okay. And I'm doing bachelor's of science in cardiovascular technology. In which year you are? I'm in second year. Okay, you are in second year. So can you help me in a tour of it? Yeah, of course. Okay. We can begin from here. Yeah, sure. So this is one of our labs, and this is said as pathological lab. Okay. And this is how it looks. Okay. So yeah. Can you tell me about this lab? So yeah, pathological lab is all about you know collecting samples and clinically treating them to diagnose or to prognose some disease in a person. Okay, so the machines are here, so what is the use of that? Do you hear about this? Yeah, of course. So these are the microscopes. Okay. We view the samples under these microscopes. These are some samples. Okay. These are some slides that are made by the students themselves. Okay. This is human sperm you can see, and this is these are some different stains. Okay, and yeah, we view all of these stains under these microscopes. This is our second lab. It's called biochemistry lab. I'll just turn off the lights quickly. So what is this lab all about? Okay, so biochemistry lab is basically, see, our body is made up of different kind of, you know, metabolisms and all. So biochemistry lab is all about those, you know, reading about those chemicals and physiological metabolisms that are, you know, going inside our body. So this is what we do here. This is our third lab. मेरे को लगा real लोगों को लेटा रहा है आप लोगों ने. नहीं नहीं. This is our third lab. It is our anatomy and physiology lab. So basically, as the you know all the structures and everything is speaking itself about the lab. This is our ECG machine. We do our ECG over here. Okay. So this is more about the anatomy of a person and the physiology, how things working inside a body. It's more about that. So this is our library. People from you know different schools, different five schools, they come here. They can sit, concentrate, study and all. Okay. It has different books like leadership books and healthcare. Psychological, okay. Education, so from all the departments of books are here available. Yeah. Ashni Grover वाली भी आ गई है दोगलापन. इस टाइप के बुक्स मिलते हैं यहाँ पे? I don't know much about that because I'm more you know more interested in healthcare books. This is a theater. We call it mini auditorium because all the mini projects that we have, you know, all the mini sessions that we do. They are conducted over here. Okay. And we have one main auditorium that you must have seen. This is a mini auditorium. We do all the you know presentations and guest lectures you know over here. Okay. Yeah. Great. So anything else we have left right now? No, I guess we have done. मैं खड़ा हूँ ऋषियोड यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर
और यहाँ पे हम आए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को विजिट करने, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो है कॉलेज लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होता है। तो चलो आओ चलते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ स्विमिंग पूल देख के जो है मेरे को नहाने का मन कर गया है। आप दिखा दो स्विमिंग पूल। एंड यहाँ पे शाम को मैं जब कल आया था तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यहाँ पे ट्रेनर्स भी रहते हैं आपको सिखाने के लिए। ऐसा नहीं अगर आपको नहीं आता तो आप बस कूद गए, ऐसा नहीं है। एंड प्रॉपर मटेरियल जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं ड्यूरिंग द स्विमिंग वो यहाँ पे आपको अवेल कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। एंड आई थिंक ट्रेनिंग की भी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, राइट? तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अभी ऊपर चलते हैं जहाँ पे कल बैडमिंटन का एक वो चल रहा था टूर्नामेंट, तो वो भी हम शाम को अगर हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे रिकॉर्ड करके। चलो अभी ऊपर चलते हैं। तो यार अभी अपन लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, और यहाँ पे हमको जिम देखने को मिलेगा और बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट। पहले जिम देखने चलते हैं। एंड जिम की खासियत यह है कोई भी फीस नहीं है एंड कम्बाइंड जिम है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, और प्रोटीन पाउडर के आपको पैसे देने पड़ेंगे वो फ्री नहीं है, बट ट्रेनर आपको फ्री में मिलता है, ये एक अच्छी चीज़ है। एंड वैसे मैं एक दो बार ही जिम में गया हूँ, दो तीन बार ज्वाइन किया था बट फ्री वाला लेके एक दो दिन का ट्रायल में आ गया एंड पता चला मैं जिम के लिए नहीं बनाऊँ, ऐसे ही ठीक हूँ। तो मशीन्स की मेरे को नॉलेज भी नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो इनमें से मैंने कितनी मशीन्स को मैं जानता हूँ, बस एक दो ही मेरे को पता होंगी। तो यहाँ पे पंगे नहीं लेंगे, बाहर चलते हैं क्योंकि सही सलामत वापस जाना है। तो आओ, इधर प्रोटीन पाउडर वगैरह भी रखा है, तो अगर जब टीचर ना हो तो आप उठा के लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे सामने जैसे कि मैंने आपको बताया बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल कोर्ट है, बट फिलहाल यहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे अभी बैडमिंटन की प्रैक्टिस हो रही है, तो इसके अंदर दोनों कोर्ट हैं। आओ देखते हैं। तो देख लो यहाँ पे जो है बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यहाँ पे टूर्नामेंट का बोर्ड भी लगा हुआ है, फर्स्ट स्पोर्ट्स फेस्ट एंड मंडे 10 अप्रैल से ये चल रहा है एंड कब तक चलेगा मेरे को नहीं पता, पर शाम को भी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी तो वो भी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को दिखाऊँ शूट करके। फिलहाल ये जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप दिखा दो, और ये इतना बड़ा पूरा जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन और बास्केटबॉल के लिए बना हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं। एक चीज़ मैंने मिस कर दी जो कि काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है, वो है स्क्वैश कोर्ट। एंड मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि अभी यूनिवर्सिटी बनी है और इन लोगों ने यहाँ पे स्क्वैश कोर्ट के लिए भी ये जो एरिया है डेडिकेट किया हुआ है। एंड ये भी एक है, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी बड़ी होगी आई होप स्क्वैश कोर्ट भी बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी और कुछ आई डोंट थिंक सो यहाँ पे बचा होगा कैंपस टूर के लिए। अभी आउटडोर वाले जो स्पोर्ट्स हैं वो हमारे बचे हुए हैं एंड शाम के टाइम में, क्योंकि अभी धूप बहुत है। एंड यू डोंट बिलीव, जो हमने स्टार्ट वीडियो शुरू किया था करना, तो जब मैं अंजू मैम के साथ था तो फ़ोन मेरा इतना हीट हो गया था 40 डिग्री से ऊपर चला गया था, तो आईफोन ने वार्निंग दे दी थी यू कांट शूट, तो हमको तीन चार बार तो सिर्फ वेट करना पड़ा था फ़ोन को ठंडा होने के लिए। तो अभी गर्मी बहुत होगी बाहर, तो अगेन मैं वो चीज़ नहीं चाहता कि फिर हम वापस रुके, तो शाम में आउटडोर को शूट करेंगे। एंड अगला वीडियो जो है वो आएगा हॉस्टल और मैस को कवर करने वाला। चलो चलते हैं। तो यार अपन अभी खड़े हैं बी ब्लॉक के बाहर, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है मेन ऑडिटोरियम, इसके ऊपर वाली फ्लोर पे है लाइब्रेरी जो इनकी सेंट्रल लाइब्रेरी यू कैन से। तो चलो चलते हैं अभी मेन ऑडिटोरियम देखने। एक मिनी ऑडिटोरियम मैंने आपको दिखा दिया था एंड वो ब्लॉक सामने वाले के अंदर था जो कि सी ब्लॉक है आई थिंक। एंड यहाँ पे जो ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है वो 1000 लोगों की है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन है और जो भी यहाँ पे रिश्यूड का पॉडियम है, और सामने जो है स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है 1000 करीब की, और साउंड प्रूफ ही ऑडिटोरियम है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर कोई भी इवेंट होता है, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे सारे इवेंट्स आप इंजॉय कर पाओगे। एंड बैक स्टेज भी है यहाँ पे, आओ आपको बैक स्टेज दिखाता हूँ। तो बैक स्टेज जिन लोगों को नहीं पता, तो कोई भी सेलिब्रिटी या जब भी कोई आता है और जिसकी जो है परफॉर्मेंस होती है स्टेज पे, तो वो बैक स्टेज से जाता है। एंड हेयर इज़ द बैक स्टेज। तो यहाँ पे पीछे से एक गेट कनेक्टेड रहता है जो कि डायरेक्ट मेन ऑडिटोरियम से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं, जब अनाउंसमेंट होती है उस पर्सन के नेम की तो यहाँ से मूव करते हैं फॉर द स्टेज फ्रॉम द बैक गेट। तो चलो अभी अपन लोग चलते हैं लाइब्रेरी विजिट करने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो यार अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, और जो यहाँ पे लाइब्रेरी है वो अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब तक उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मेडिटेशन एंड योगा कराया जाता है, एंड जो कि बहुत सारे कॉलेज के अंदर मिस रहता है। मेरे को लगता है ये मैंडेटरी होना चाहिए हर कॉलेज के अंदर, योगा एंड मेडिटेशन, जिससे मेंटल पीस जो है वो बनी रहती है। प्लस यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी, यहाँ पे एक ओपन एरिया भी दिया गया है, जहाँ पे बच्चे जो है ओपन एरिया में बुक्स लेके जो है पढ़ सकते हैं। और जब ये लाइब्रेरी बन जाएगी तो यहाँ से ये सारे कनेक्टेड डोर्स रहेंगे, तो धूप में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि जितना मेडिटेशन नहीं किया होगा वो धूप में पसीने में निकल जाएगा। अभी सेंट्रल लाइब्रेरी देख लेते हैं, बनी नहीं है बट स्टिल दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये जो मिनी लाइब्रेरी थी उससे काफ़ी बड़ी है और स्पेशियस है, ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने पूरा राउंड करके बनाया हुआ है, और ये स्टेरिया सब भी लकड़ी की है, तो मेरे वजन से टूट ना जाए तो मैं ऊपर जाऊँगा नहीं, आप लोग ऐसे ही देख लो। तो अभी अंदर जो है मेडिटेशन एंड योगा हो रहा है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे बट साइलेंटली देखने ज़रूर चलेंगे। तो यहाँ पे जो है मैट वगैरह भी बिछी हुई है, एंड आई थिंक यहाँ पे सब लोग जो है वो योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दिखा दो आप उधर सब लोग बैठे, उधर एक बार कैमरा टर्न कर दो। तो यार अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको यहाँ पे एक स्टूडेंट मिले, तो मेरे को स्पोर्ट्स की इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं स्पोर्ट्स में रहा नहीं, तो ये मेरे को हेल्प करेंगे गाइड करने में आउटडोर स्पोर्ट्स में कौन कौन से हैं। तो चलो देखते हैं, आप बता दो। ये जो हमारा ग्राउंड है ये बेसिकली फुटबॉल के लिए है, फुटबॉल ग्राउंड, और उसके बाद उस साइड अगर आप देखेंगे तो हमारा वॉली ग्राउंड है, वॉलीबॉल के लिए। चलते हैं। हाँ जी, टाइमिंग्स वैसे तो टाइमिंग्स यहाँ के लाइक आपके एकेडमिक्स वाले जो आवर्स है वो कंप्लीट होने के बाद होता है, लाइक 6 to 8 तक आप खेल सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये हमारा लॉन टेनिस का कोर्ट है, यहाँ पे हम लॉन टेनिस खेलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेनर्स रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाते हैं? हाँ जी, वो एक्चुअली हम लोगों का कोई कॉस्ट नहीं लगता उसमें, यूनी की साइड से वो लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी की साइड से हम लोगों को सिखाने। एंड आगे चलते हैं, आगे भी कुछ कोर्स बाकी हैं। हाँ जी, उनको भी देख लेते हैं। एंड उधर क्रिकेट का इतना मेरे को पता है, मैंने भले ही नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, इतना पता है वो क्रिकेट का नेट है और वहाँ बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आगे भी कुछ कोर्स है, एंड आई एम नॉट रॉन्ग, ये बास्केटबॉल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बास्केटबॉल कोर्ट है हमारा। थोड़ा यहाँ पे आके मेरे को नॉलेज मिल रही है अगर कैंपस टूर में कर रहा हूँ तो। ग्रेट, तो ये पूरा जो है वो बास्केटबॉल का कोर्ट है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। एंड ये सारे जो है आउटडोर स्पोर्ट्स अभी अवेलेबल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू सो मच। तो यार आई होप आप लोगों को ऋषिवुड यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यहाँ पे हमने सारे हायर ऑथोरिटीज के साथ जो है इंटरेक्शन किया, साथ में जितने भी लैब्स यहाँ पे थे हमने सारे विजिट किए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, साथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या अदर फैसिलिटीज़ जो भी ऋषिवुड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आज के टाइम पे हमने आप लोगों के साथ शेयर की, फीस वगैरह बताई, स्कॉलरशिप बताई। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पहले ही बता दूं, आने वाले वीडियोस में आपको ऋषिवुड यूनिवर्सिटी का हॉस्टल टूर देखने को मिलेगा, साथ में बच्चों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, यानी बच्चों के क्या रिएक्शन है ऋषिवुड यूनिवर्सिटी के ऊपर, उनको ये यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है। तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द वीडियोज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।